पुरुषों के जीवन प्रकाश स्तंभ होते हैं। उनके अंदर झांक कर कोई भी व्यक्ति प्रकाश की किरण पा सकता है। उनकी सरलता जीवन जीने की शिक्षा देती है। गुजरात में रहने वाले एक संत, अभी तो नहीं रहे, ब्रह्मलीन हो गए, वो उनका नाम था रंग अवधूत जी महाराज। बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे। उनसे किसी ने पूछा कि आपने तो परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, जो जानना था सो जान लिया, जो पाना था सो पा लिया, अब आप क्या करना पसंद करेंगे और क्या पढ़ना पसंद करेंगे? रंग अवधूत जी महाराज ने कहा कि मुझे किसी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष का जीवन चरित्र पढ़ने को मिल जाए तो मैं बहुत प्यार से और आदर से पढ़ूंगा, क्योंकि उनके जीवन चरित्र में जीवन जीने की शिक्षा है और ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर कैसे आगे बढ़ना, वो उनमें से प्रेरणा मिलती है। ज्ञान की उपासना के लिए ज्ञानी महापुरुष का जीवन चरित्र और उनका साहित्य, उनकी वाणी पर आधारित जो साहित्य है, उसका अध्ययन किया जाए। ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के जो साहित्य होते हैं, ग्रंथ होते हैं, वो सजीव होते हैं। जैसे शरीर में आत्मा नहीं तो शरीर मुर्दा है, उसी प्रकार जिस घर में, जिस कमरे में ग्रंथ नहीं है, साहित्य नहीं है, वो कमरा आत्मा रहित शरीर के समान मुर्दा है। पर जिस कमरे में साहित्य है, लोकमान्य तिलक जी कहा करते थे कि मुझे अगर नरक में भेज दे कोई तो मैं वहां भी स्वर्ग बना दूंगा अगर मेरे साथ साहित्य होगा तो, ज्ञानी महापुरुषों के लिखे हुए शास्त्र होंगे तो मैं नरक में भी स्वर्ग बना दूंगा। साहित्य में ऐसा ज्ञान होता है। साहित्य से प्रेम ईश्वर के राज्य में पहुंचने का एक विमान है। विमान से तेजी से यात्रा होती है ना, ऐसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के लिखे हुए जो वचन हैं साहित्य में, उनके कहे हुए, तो वो वचन ईश्वर के राज्य में पहुंचने के लिए विमान का काम करते हैं। कलकत्ता में हम गए थे कुछ साल पहले, तो एक भाई ने अलख की और नाम की पुस्तक साहित्य स्टॉल से ली, 2-3 पेज वहीं खड़े खड़े पढ़ लिए। उन्होंने मुझे कहा कि ये पुस्तकें जितनी भी हो अलख की और नाम की मुझे दे दो। तो उस समय 200-250 कितनी थी, हमने उनको दी, उन्होंने पैसे दिए पुस्तकों के, फिर दुकान दुकान पर बांटी उन्होंने कि ये पढ़ो ये पढ़ो। फिर बोले और भी अहमदाबाद से मुझे ये साहित्य भिजवाना, आप भी ईश्वर के रास्ते चलना, औरों को भी ईश्वर के रास्ते ले चलने में मदद करना, ये बहुत अच्छी बात है। आप नाम जपना, औरों को जपाना, ये बहुत अच्छी बात है। तो अच्छी पुस्तकों को, सत्संग की पुस्तकों को घर में संग्रहित करना, ये अपने घर को देव मंदिर बनाने के समान है। पुस्तकालय नहीं, देव मंदिर। वो घर देव मंदिर जैसा हो जाता है, क्योंकि भाई ज्ञानी महापुरुषों के लिखे हुए, ब्रह्मज्ञानी गुरु के लिखे हुए वचन जिन पुस्तक में है, वो पुस्तक उनके घर पर पड़ी है, तो उनका घर तो मंदिर हो गया। साहित्य ब्रह्मज्ञानी महापुरुष का हमें आगे चलते रहने की, साधना करते रहने की प्रेरणा देता है। जड़ से चेतन की ओर, अल्प से विराट की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा साहित्य देता है। आदर से करें, सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिधि गोपद इवत रही। ये जीवन है, हम विराट की ओर चलते चले, नदियां अपने अल्प और सीमित रूप से उस अनंत विराट सागर की ओर दौड़ी जा रही है। नदी सागर की ओर ही तो जाती है ना, मानो नदियां भी अल्प से विराट की ओर जाने की ओर प्रेरणा दे रही है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो होते हैं, वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ अपनी उत्तुंग चोटियों को फैलाए हुए उस सर्वव्यापी सत्ता की ओर देख रहे हैं।
बड़े बड़े पर्वत भी। छोटा सा बीज अपने क्षुद्र और साधारण रूप से संतुष्ट न रहकर अपने आवरण को तोड़कर फूट निकलता है और बढ़ते 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 एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है, फल और फूल देता है और अनंत बीज भी दे देता है। दोबारा एक बीज में से वृक्ष बना, उसने फल दिए और फिर बीज भी दिए। ऐसे हम भी, ये मनुष्य जन्म मिला है तो केवल इस सीमित दायरे में, शरीर में ही वो सीमित न रहकर अपने व्यापक रूप को जाने। शरीर से आप यहां बैठे हैं अभी इस मैदान में, आप ये बताइए कृपानाथ कि अगर आपको यहां से उठकर अपने घर जाना हो तो देर लगेगी, है ना? पैदल जाएंगे बाहर तक, रिक्शा मिले, कोई आपकी अपनी गाड़ी खड़ी हो पार्किंग में, गाड़ी में बैठो फिर घर तक पहुंचो, देर लगेगी। पर अगर आपको मन से अपने घर जाना हो तो कितनी देर लगेगी, बताओ? देर लगेगी जरा भी? हाँ, आपको मन से अपने घर जाना हो अभी तो जरा भी देर नहीं लगेगी। सोचा नहीं कि पहुंचे नहीं? तो जब हम मन से अपने घर पहुंचने में जरा भी हमको देर नहीं लग सकती, जल्दी पहुंच जाते हैं, तो मन से घर जाने की अपेक्षा घर में जब बैठे हों, कहीं भी हों, तो मन से अपने इष्ट के पास, अपने गुरु के पास जाएं तो कितना अच्छा। बाहर से बापूजी के चरण छूने को कोई दौड़े तो सेवाधारी रोक देगा, पर मन से गुरुजी के चरण छुओ तो कौन सेवाधारी रोक सकता है? दिल से उनके चरणों में रोज प्रणाम करो, सिर झुकाओ तो कौन सेवादारी रोकेगा? मन की शक्तियों का आप और हम सभी साधक सदुपयोग करें। मन की शक्तियों का सदुपयोग करने से, जैसे समुद्र का मंथन किया देवताओं ने तो 14 रत्न निकले। रत्न तो पड़े थे पर जब मंथन किया गया तब निकले और देवताओं का काम बन गया। ऐसे ही रत्न तो है, परमात्मा तो है, पर थोड़ा मंथन किया जाए, थोड़ी साधना की जाए, थोड़ा मौन रखा जाए, एकाग्रता को बढ़ाया जाए, अंतर्मुख हुआ जाए, ये होटलों का इधर उधर का खाना पीना, राजसी भोजन न करके सात्विक भोजन किया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। और मैं तो खास बहनों से प्रार्थना करूंगा आज, क्योंकि बहनें भावना प्रधान होती है, पुरुष विचार प्रधान होते हैं। तो भावना प्रधान देवियों की, कन्याओं की भावना का कोई दुराचारी व्यक्ति दुरुपयोग न करे। माताएं बहनें कन्याएं सजाग हो। शास्त्रों में लिखा है माता निर्माता भवती, माता को संतान की निर्मात्री और शक्ति दात्री कहा जाता है। महाराणा प्रताप के जो पिता थे वो अपनी कुल परंपरा के अनुसार इतने वीर नहीं थे, साहसी नहीं थे। चित्तौड़ का किला हार कर अरावली की पहाड़ियों में जाकर छुप गए थे और वहाँ उनकी पत्नी जो गर्भवती थी उसने प्रताप बालक को जन्म दिया। और माँ ने देखा कि इसके पिता तो थोड़े कायर हैं, डरपोक हैं, मैं इस पर इसके पिता की कायरता के संस्कार नहीं पढ़ने दूंगी। तो माँ बालक प्रताप को वीरता की गाथाएं सुनाती थी, भीम की, हनुमान जी की, ऐसी वीरता की गाथाएं सुनाती और देशभक्ति की बातें बताती। तो वही बालक प्रताप महाराणा प्रताप बनकर प्रसिद्ध हो गए, मुगलों के दांत खट्टे कर दिए। तो हम भी अपने बच्चों को ऐसे वीरता के संस्कार दें। शौर्य और धर्म निष्ठा के प्रतीक वीर शिवाजी की माता जीजाबाई, शिवाजी को कैसे संस्कार दिए? उनके पिता तो नौकरी करते थे कहीं किसी राजा के वहाँ, पर माँ ने शिवाजी को ऐसे संस्कार दिए कि शिवाजी अपने गुरु का आशीर्वाद पाकर, माँ की सीख पाकर
छत्रपति शिवाजी हुए और परमात्मा का साक्षात्कार करने में भी सफल हो गए थे। माँ ने संस्कार दिए। महात्मा गांधी स्वयं बताते हैं अपनी जीवनी में कि मुझे माँ ने अगर सीख नहीं दी होती तो शायद मैं पतित हो जाता। माँ ने कहा, बेटे विदेश जा रहे हो तो मांसाहार मत करना और परिस्त्री गमन के पाप से बचना। माँ ने ये दो सीख दी थी और मुझे ये दो सीख बहुत काम आई। मैं इन दोनों दुर्गुणों से बचा और सेवा में सफल हो पाया। आदिकाल से अद्यकाल तक, माने पहले से लेकर आज तक, भारत की नारियों ने देश को अमूल्य रत्न दिए हैं। अनुसुईया जी को देखो, अरुंधति को देखो, देवहूति मां को देखो, कौशल्या जी, यशोदा मां, देवकी माता, इन नारियों का हम देखें जीवन। हमारी संस्कृति में मातृ देवो भव कह के माताओं को महत्वपूर्ण स्थान इसलिए दिया गया कि वो हमारे गौरव का आधार रही है। मातृ देवो भव पहले है, पितृ देवो भव बाद में है। पहले मातृ देवो भव है। तैत्रीय उपनिषद का ये वचन है, किसी अरे गरे पुस्तक की बात नहीं कह रहा मैं। तैत्रीय उपनिषद कितनी बड़ी बात है, उपनिषद में लिखा है मातृ देवो भव। और जहां उपनिषद में मातृशक्ति की महिमा गाई गई, वही माताएं, वही कन्याएं पाश्चात्य कल्चर वालों का अंधानुकरण करके, फैशन करके, वेशभूषा ऐसी करके अपने गौरव को कलंकित क्यों करें, अपनी महिमा को तुच्छ क्यों करें। महान सुख को पाए ना, तुच्छ सुख को त्याग दें, अच्छा होगा। नेपोलियन बोनापार्ट से किसी ने पूछा कि किसी राष्ट्र को ऊंचा उठाने में सबसे अधिक योगदान किसका रहा है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा, माँ का। मुझे भी अच्छे संस्कार, बोले माँ ने दिए हैं, नेपोलियन ने कहा। सिंहों से खेलने वाला, शेर के बच्चों से खेलने वाला और शेर के मुंह के दांत गिनने वाला वीर भरत, ऐसा वीर कैसे हुआ कि माँ शकुंतला ने उसकी वीरता जगाई थी। बहनों को, माताओं को चाहिए कि वो घर को संभालने के लिए लक्ष्मी का रूप धारण करें। बच्चों को पढ़ाना है तो सरस्वती का रूप धारण करें। और कोई दुष्ट आपके पति का शोषण कर रहा है या घर को बिगाड़ रहा है, घर में अशांति फैला रहा है, तो फिर दुर्गा का रूप धारण कर ले। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। गुरुदेव की माता कैसी महान थी, गाय थी, दूध आता था, जमाते थे, दही बनता, मक्खन निकालते, छाछ गरीबों को बांट देते, लेने आते उनको दे देते। तो माता जी कहती कि मक्खन किसके लिए रखा है, ये भी अपने ही बच्चे हैं, इनको भी बांट दो। और वो संस्कार देखो कैसे आज तक काम कर रहे हैं, वो सेवा कार्य आज तक चल रहे हैं। तो माताओं को, बहनों को, माताएं पहले कभी तो कन्याएं रही थी ना, वो भी पढ़ती थी। तो अभी जो कन्याएं बहनें पढ़ती है स्कूल कॉलेज में, शादी नहीं हुई, कुछ समय में शादी होगी, तो वो बहनें कन्याएं भी सावधान रहें। सुयशा कब सुमरोगे राम, ये कैसेट सुने बापू जी के सत्संग की, कैसेट का नाम है सुयशा कब सुमरोगे राम। ऐसे सुनकर अपना जीवन हम वैसा बनाने के लिए कदम आगे बढ़ाएं। जीवन तो गुजरता ही है, चाहे उन्नत होकर जिए चाहे अवनत होकर जिए, तो क्यों ना उन्नत होकर जिए। चित्तौड़ का राजकुमार एक दिन जंगल में एक चीते का शिकार करने के लिए उसके पीछे लग गया। बस अब ये तीर मार दूं, इसको गिरा दूं। थोड़ा सा तीर लगा भी पर वो चीता युक्ति से भाग गया। भागते भागते वो खेतों के इलाके के तरफ भागा, खेतों के आसपास झाड़ियां थी उसमें घुस गया।
अब राजकुमार घोड़े को दौड़ाते हुए उसके पीछे जा रहा है तो खेत बिगड़ने लगे घोड़े के दौड़ने के कारण, फसल तैयार थी। तो एक किसान की बेटी युवती वो राजकुमार को कहती है, राजकुमार जरा ठहर जाओ, तुम घोड़े पर बैठे हो, घोड़ा दौड़ रहा है इतना तेज, हम किसानों के खेत खराब हो रहे हैं, तुम रुक जाओ, तुमको तुम्हारा शिकार चाहिए ना, मैं उसको लाकर देती हूँ। इतनी देर से दौड़ रहे हो और अभी तक अपने काम में सफल नहीं हो पाए, खेत बिगाड़ रहे हो, हमारा नुकसान कर रहे हो, रुक जाओ। उस कन्या के आवाज में दम था। जो लोग त्राटक करते हैं, अपने गुरु के चित्र को एकटक देखते हैं और प्राणायाम करते हैं और जप करते हैं, उनका आत्मबल गजब का विकसित होता है। उनके जीवन से कायरता, डरपोक पने के विचार पलायन हो जाते हैं। अपना आत्मबल बढ़ाना चाहिए और सच्चाई का पक्ष लेना चाहिए। सत्य समान तप नहीं। भगवान ने जो योग्यता दी है उसका सही उपयोग करना चाहिए। भगवान ने जिसको भी जो योग्यता दी है उसका आदमी सदुपयोग करे, दुरुपयोग न करे। लेखनी दी है तो लेखनी से सही बात लिखें। कोई भी संत आदर के भूखे नहीं होते, पर हम अगर किसी संत का आदर नहीं कर सकते तो किसी संत का अनादर करने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए। होलिका की गोद में प्रहलाद को बिठाया हिरण्यकश्यपु ने, सोचा कि होलिका को वरदान है कि आग उसको नहीं जला सकती, तो इसकी गोद में प्रहलाद को बिठाकर चिता पर बिठा के आग लगा देंगे, होलिका बच जाएगी, उसको वरदान है, और प्रहलाद मर जाएगा। इस बद इरादे से हिरण्यकश्यपु ने लकड़ियों के ढेर पर होलिका को बिठाया और उसकी गोद में प्रहलाद को बिठाया। आग लगा दी गई, आकाश में ऊंची ऊंची लपटें आग की उठने लगी, आग 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 चारों तरफ। सब ने सोचा कि प्रहलाद तो गया, जल गया, मर गया, पर आग थोड़ी शांत हुई तो जिस होलिका को वरदान था आग नहीं जला सकती, वो होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद सकुशल चिता से बाहर उतर कर आया। लोगों को हुआ कि होलिका को भगवान का वरदान था कि आग उसको नहीं जला सकती, फिर भी जल गई, भगवान का वरदान झूठा हो गया। एक महात्मा ने समाधि करके भगवान से प्रश्न किया कि होलिका को वरदान था आग नहीं जला सकती, आपका वचन झूठा हो गया? भगवान ने कहा, नहीं, मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता। तो बोले, भगवान होलिका जल गई? भगवान ने कहा, होलिका को आग ने नहीं जलाया है, होलिका मेरे क्रोध की अग्नि में जलकर राख हो गई। बोले, क्यों? बोले, क्योंकि उसने एक संत को सताने की कुचेष्टा की थी। संत का आदर न कर सको तो कोई बात नहीं, संत आदर के भूखे नहीं होते, पर उनका अनादर करने का दुस्साहस किसी को भी नहीं करना चाहिए, चाहे कोई लेखक हो, चाहे कोई पत्रकार हो, कोई भी हो। और वो कुछ अगर कर भी दे, कुछ ऊटपटांग बातें लिख भी दे, तो उससे कोई संत बदनाम नहीं होता, हर माँ का बेटा राम नहीं होता, प्रश्न के अंत में पूर्ण विराम नहीं होता, बबूल के पेड़ पर आम नहीं होता, और सच्चा संत कभी बदनाम नहीं होता। करने वाला अपने अपनी खाई खोद ले, अपने लिए कब्र तैयार कर ले, अपना भविष्य खतरे में डाल दे। गुरु नानक जी का वचन है, संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। निंदक की कभी पूजे नाश, निंदक की कभी पूजे नाश, संत का निंदक सदा हो निराश, संत का निंदक सदा हो निराश, संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक महाहत्यारा। गुरुवाणी में बहुत सुंदर वचन है, संत के दुखन आर जा घटे, संत के दुखन यम दे नहीं छूटे, संत के दुखन सर्प जून पावे, संत के दुखन कांग जून लवे। संत का निंदक तो बोले कौआ है,
संत के निंदक की आयु घटती है। संत का दोखी अंतर का थोथा जैसे सांस बिन मृतक की लोथा। बहुत सुंदर बताया है, पर बुद्धिमान आदमी तो आदर बुद्धि करते हुए स्वयं चिर आदरणीय हो जाते हैं। तो कन्या ने कहा, राजकुमार घोड़ा दौड़ाने से हमारे गरीबों के खेत खराब होते हैं। कैसी आत्मबल वाली वीर कन्या, शाबाश है। चित्तौड़ में रहने वाली एक साधारण किसान की बेटी को सदाचार में एक बहुत बड़ी शक्ति है। हनुमान जी को जब भरत जी का तीर लगा, हनुमान जी गिरकर बेहोश हो गए। दूसरे की मूर्छा दूर करने के लिए चले थे और औषधि हाथ में थी, फिर भी मूर्छित हो गए। हनुमान जी, भरत जी जो इतने प्रेमी थे कि उनका प्रेम देखकर पक्षी भी राम राम बोलने लग गए थे, और लक्ष्मण जी इतने विरागी थे, त्यागी थे कि अपनी पत्नी को छोड़कर और अयोध्या का सुख छोड़कर भगवान राम की सेवा में गए थे, फिर भी उनको तीर लग गया और बेहोश हो गए। हनुमान जी को भरत जी का तीर लगा, वो गिरकर बेहोश हो गए, और भरत जी ने एक संत में देखा कि शायद कोई राक्षस जा रहा है। हनुमान जी उनको असुर दिखे, सब में भगवान को देखने वाले, हनुमान जी में असुर कैसे दिख गया उनको? और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, हनुमान जी मूर्छित हो गए। तीन महानतम पात्र हैं, लक्ष्मण जी महान हैं, हनुमान जी महान हैं, भरत भैया महान हैं, पर इस प्रसंग में तीनों की हार दिखती है। मैं उन तीनों के चरणों में प्रणाम कर रहा हूं, लक्ष्मण जी को, हनुमान जी को, भरत जी को भी। उन्होंने अपने जीवन से शिक्षा दी है कि हम ऐसी भूल न करें। लक्ष्मण जी जब मेघनाथ को मारने के लिए चले पहली बार, तो लिखा है, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, क्रोधित होकर चले, बाण सरासर हाथ, गुस्से में चले। तो क्रोध तो एक विकार है, क्रोध में आकर चले, तो परिणाम यह आया कि मेघनाथ जो काम का प्रतीक था उसने गिरा दिया इनको। अब हनुमान जी बूटी लेने चले तो लिखा है, चला प्रभंजन सुत बल बाशी, अपने बल का वर्णन करके चले कि मैं सूरज उगने के पहले बूटी लेकर आ ही जाऊंगा। चला प्रभंजन सुत बल बाशी। सीता जी की खोज में समुद्र पार करने के लिए जब छलांग लगाने वाले थे, तब लिखा है, बार बार रघुवीर संभारी, बार बार भगवान का सुमिरन किया, पर बूटी लेने के लिए जब चले तब लिखा है, चला प्रभंजन सुत बल बाशी, और परिणाम तब आता है कि तीर लग गया उनको। ये प्रेरणा देते हैं महानतम पात्र कि अपने जीवन में कभी भी अभिमान को स्थान न देकर नम्रता के प्रतीक बने रहना, नम्रता, श्रद्धा। हाँ, कोई दुष्ट है, दुर्जन है, तो फिर ये चित्तौड़ की राजकुमारी, किसान की बेटी राजकुमार को कहती है, तुम्हारे घोड़े दौड़ाने से हमारा खेत बिगड़ता है, तुमको तुम्हारा शिकार चाहिए, मैं ला कर देती हूं, खड़े रहो वहीं। किसान की बेटी गई झाड़ियों में और चीते से मल्ल युद्ध किया, और घसीटती हुई उसको ले आई राजकुमार के आगे के, ले जाओ। मरने के बाद जीव की क्या गति होती है, तब यमराज ने वर्णन सुनाया। अभी वो विस्तार करने का समय नहीं है, पर यमराज उसके प्रश्नों से बहुत खुश हुए। फिर कहा, वरदान मांग बेटी। सावित्री कहती है, मेरे ससुर, उनको आंखों की रोशनी नहीं है, आप वरदान दे दो ना उनको आंखों की रोशनी मिल जाए। यमराज ने कहा, एवं मस्तु, जा बेटी, तेरे ससुर को आंखों की रोशनी आ जाएगी। और सचमुच वहां उनको मिल गई। अपने कहां एक गांव में, मैं गांव का नाम भूल गया, एक बच्ची छोटी, वो किसी बीमारी में आंखों की रोशनी गंवा बैठी, छोटी बच्ची। अब उसके पिताजी ने सोचा कि मैं ऑपरेशन कराऊं, कई जगह धक्के खाए, कुछ हुआ नहीं, तो वहां के साधकों ने मिलकर जप किया और पाठ किए, संकल्प करके, प्रार्थना करके, ओम। कोई भी अनुष्ठान शुरू करें ना, तो पहले तिलक करें अपने को,
ओम गम गणपतये नमः बीज मंत्र का उच्चारण करें, विघ्नहर्ता गणेश जी का सुमिरण करें और संकल्प करें कि हम अमुक कार्य की सिद्धि के लिए यह अनुष्ठान कर रहे हैं, अमुक कार्य जरूर सिद्ध होगा। रोज फिर दूसरे दिन जप पाठ शुरू करें तो तिलक करके अपना संकल्प दोहरा कर फिर शुरू करें। पूर्व और उत्तर के बीच बराबर ईशान कोण में गुरु जी का चित्र रखें, तुलसी का पौधा रखें और क्या करें, नीचे जमीन पर एक कपड़ा बिछा दें, पवित्र शुद्ध नया हो तो अच्छा, और उस कपड़े पर गेहूं के दानों से स्वस्तिक बनाएं और उसके बराबर बीच में तांबे का लोटा रखें जल भर के, ऊपर श्री फल नारियल आदि रख दें। अभी तिलक करके संकल्प करें कि हम अमुक कार्य की सिद्धि के लिए ये अनुष्ठान कर रहे हैं, हम जरूर हमारा कार्य सिद्ध होके ही रहेगा। देखो कैसे नहीं होता है। मुंबई में एक सज्जन को हार्ट अटैक आया तो उनका बेटा संजय वो अमेरिका के न्यू जर्सी में रहता है, तो फ़ोन से पता चला तो वो संजय भाई न्यू जर्सी में जो अपना आश्रम है, जैसे यहाँ रोहतक में आश्रम है ऐसे अमेरिका के न्यू जर्सी में आश्रम है, तो वहाँ जाकर उसने आश्रम में पाठ शुरू कर दिए संकल्प करके ऐसे कि मेरे पिताजी का स्वास्थ्य अच्छा होके रहेगा। ओम हरि ओम ओम ओम। विकल्प नहीं करना चाहिए, होगा कि नहीं, नहीं होगा ही। और पाठ पूरे हुए फिर फोन किया और सचमुच उसके पिताजी अभी तक ठीक है, बाईपास सर्जरी नहीं हुई। बेकार में कायरता भयभीतता घुस गई है अंदर। देखो आग से दूर रहने पर ही ठंडी का कष्ट भोगना पड़ता है और झरने से दूर रहने पर, पानी से दूर रहने पर प्यास का कष्ट भोगना पड़ता है। आग से दूर रहो तो ठंडी का कष्ट, पानी से दूर रहो तो प्यास का कष्ट, ऐसे ही भगवान से और भगवत प्राप्त गुरु से दूर रहो तो बाहर भी कष्ट अंदर भी अशांति। आग के पास रहो तो सर्दी क्यों लगेगी, पानी के पास हो तो प्यास क्यों लगेगी, ऐसे ही भगवान और भगवत प्राप्त गुरु के निकट हो तो मुसीबतों की ताकत क्या हमारे पास आए। केवल क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा तिष्ठ परम तपः क्लैब्यम मासम गमः पार्थ। भगवान कहते हैं पार्थ नपुसंकता के विचारों को छोड़ दे और वीर बन। तो पाठ करके उन साधकों ने उस बच्ची को जल दिया, जितने दिन अनुष्ठान चलता रहा उनके घर पर रोज फिर जल देते रहे। आप विश्वास करना, मुझे उन गांव के लोगों ने बताया वो बच्ची की आंखें ठीक हो गई और वो अच्छी तरह से देख सकती है। सावित्री को यमराज कहते हैं कि मैं खुश हूँ तेरी भक्ति से और तेरी संयम निष्ठा से, तेरे पातिव्रत धर्म से। बेटी तू वरदान मांग ले पर तेरे पति को छोड़कर, तेरे पति को नहीं और कुछ मांग ले। तब सावित्री ने क्या मांगा, आप सावित्री की बुद्धिमानी देखो। सावित्री ने कहा यमराज आप वरदान देना ही चाहते हैं। बोले तेरे पति को छोड़कर। बोले हाँ हाँ मैं मेरे पति को नहीं मांग रही हूँ यमराज, मेरे ससुर की वंश परंपरा चलती रहे इतना वरदान दे दो। यमराज ने कहा तथास्तु। गए तो सावित्री फिर पीछे पीछे, बोले अब क्यों पीछे पीछे आ रही है। बोले आपने वरदान तो दे दिया कि मेरे ससुर की वंश परंपरा चलती रहेगी, पर मेरे ससुर का एक ही बेटा था वो आप ले जा रहे हैं, अब वंश परंपरा कैसे चलेगी मेरे ससुर की। यमराज हार गए।